बहनों और भाइयों, जिनके घावों में, जिनके फोड़ों में कीड़े पड़ गए हैं, चाहे वो बच्चों के घाव में हों, चाहे बड़े बूढ़ों के या माता और बहनों के, तो बहुत ही कष्टदायक रोग है ये। कीड़े बहुत खाते हैं। उसका मैं सीधा साधा सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। ये है, देखो, नीम है, और नीम संपूर्ण भारत में सड़कों के किनारे, खेतों में और पार्कों में मिल जाते हैं। अब तो म्यूनिसिपलिटीज सड़कों के दोनों तरफ लगा रही है इसको, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो इसकी छाल, अब मैं आपको इसकी तना दिखाता हूँ, जहाँ से आपको छाल निकालनी है। ये देखो, ये है इसका नीम का तना है। इसका जो पेड़ का तना है ये, और है नीम का, इस तरह से होता है ये। तो इसको इस तरह से हटा लें और अच्छी सी, अच्छी वाली यहाँ से नीम की छाल निकाल लें। मतलब ये अगर आपको 100 ग्राम या 200 ग्राम लेनी है, तो इतनी ही हींग के पेड़ की छाल ले लें। हींग के पेड़ की छाल भारत में नहीं मिलेगी, यह आपको जड़ी बूटियों की दुकान पर मिल जाएगी, लेकिन आती है ईरान से। ईरान में हींग का पेड़ होता है, वहां से आती है, आयात होकर, और ये जड़ी बूटियों के में मिल जाती है। तो इसकी मानो आपने 200 ग्राम ये छाल ले ली, तो हींग भी 200 ग्राम की, 200 ग्राम छाल ले लें हींग की, दोनों को पीस लें। जब भी आपको कीड़ों पे लगानी हो, तो इसकी छाल, मानो आपको जरूरत है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम उसकी दोनों को छाल को सिल पे पीस लें, और किसी कपड़े की सहायता से या इसी तरह से, अगर छोटा है तो उस पर ऐसी लगा दें। मैं तो ये कहूँगा कि लगाने के बाद में एक पट्टी लगा दें, एक कपड़े की पट्टी से बांध दें, तो केवल एक या दो दिन के प्रयोग से ही सारे कीड़े मरकर नीचे गिर जाएंगे। ये बहुत ही सरल उपाय मैंने बताया है। एक बार फिर बता देता हूँ मित्रों, ये है नीम का पेड़ है, और इसकी छाल ले लें, और हींग के पेड़ की छाल ले लें। जिनके फोड़ों में और घावों में कीड़े हो गए हैं, इसकी 50 ग्राम लें, तो उसकी भी 50 ग्राम छाल दोनों को पीस लें पानी डाल के, और उसका, उसको जो लेप बनेगा, पेस्ट बनेगा, उसको घाव में रख दें, घाव के ऊपर रख दें और पट्टी बांध दें। एक दो दिन के प्रयोग से ही सारे कीड़े मर जाएंगे और फिर भविष्य में होंगे नहीं। मित्रों, ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा कल्याण।